तो गाइस देख सकते हैं हमारे रामलीला सामने आ रहे हैं। वो दोता है वो देखो यहाँ पर बनता है रावण। वो ये है हमारे यहाँ रामलीला फील्ड। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है बज रहे हैं शाम के 3। ये ब्लॉग इसलिए लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रामरात वाला ब्लॉग लेट हो गया था। आज हमारे यहाँ है जनकपुरी जो कि बहुत ही प्यारी डेकोरेट की जाती है। मैं भाई एक साल वेट करता हूँ उस जनकपुरी के लिए क्योंकि इतना प्यारा लगता है ना वहाँ पर। तो आपको भी दिखाऊँ कैसा क्या डेकोरेट हुआ। फिलहाल अभी चलते हैं, निखिल भाई का बर्थडे है, निखिल फ्रेंड है अपना, तो उसके बर्थडे फिर वहाँ चलेंगे जनकपुरी। सो गाइस अभी यहाँ जा रहे हैं सभी, निखिल का बर्थडे आज तो उसके सेलिब्रेट करेंगे। जो निखिल के बर्थडे में आया था आज निखिल का बर्थडे तो उसके बर्थडे में जा रहे हैं सभी। यहाँ सभी भाई आ गए अपने। और भाई बर्थडे बॉय हैप्पी बर्थडे, स्टोरी नहीं मेंशन तो कर दे यार। देखो एक निखिल, दो निखिल, तीसरा निखिल, उस दिन इसके बर्थडे में ये गया, आज इसके बर्थडे में ये जा रहा, और ये सब तो यही अपने भाई आ गए, अभी निकलते हैं। सो फाइनली गाइस पहुंच गए क्रिश्चियन फील्ड हमारा, और यहाँ पर देखो अभी मेला लगा हुआ है, मैनपुरी महोत्सव तो हमारा। ये देखो पूरा फील्ड है, सबसे बड़ा फील्ड है हमारे यहाँ का। यहाँ सभी भाई अपने खड़े हुए केक कट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे निखिल, अब तेरा बर्थडे कब आ रहा है? बहुत तेज है पार्टी में, अभी निखिल का था, अभी इस निखिल का आ गया, अब इस निखिल का रह गया। बोलो भाई का बर्थडे आज, भाई का बर्थडे, भाई बच्चे बहुत खुश हैं। तभी बांट रहे भी केक, बच्चे आ गए थे, इधर ही रहते सब, तो आ गए सभी। दे रहे यार यहीं के आसपास के बच्चे छोटे छोटे, देखो सही यार इनको भी थोड़ा मिले खुश हो जाते। ये भी अभी डांस करे देखा था। अरे जिन्हें जिन्हें चाहिए केक ले लो भैया, निकल के बर्थडे की तरह हुआ सही। स्प्राइट और थी, स्प्राइट कहाँ है जी? देखो इसके केक। अरे यार तबीयत खराब है, मैं सोच रहा हूँ पीऊ ना पीऊ, मम्मी चिल्लाएंगी बहुत। ये दोनों निकल निकल लगे पड़े दोनों एक साइड, बच्चे आगे देखो, बच्चे परेशान कर रहे भाई, एक बार ले जा चुके फिर देखो कैसे। थोड़ी सी पी लेता हूँ, ज्यादा क्या होता है, ले चल बस जा। कोल्ड ड्रिंक ना, तबीयत खराब हो जाए मम्मी चिल्लाती है कोल्ड ड्रिंक। पीछे पड़ गए भैया, हमें भी दो, हमें भी दो, अब सभी को दे, तभी बार बार आ जाते। अच्छा मेले में आए, घर नहीं है तुम्हारा? बाइक पूरी वहां से उठी है, यहां से यहां तक आ गई बिल्कुल, तीन लोग बैठे ना इसलिए। फोटो शूट हो चुका है, अभी जा रहे हैं सभी लोग वहां बाइक लगा देंगे अंदर पार्किंग, फिर अंदर चलेंगे निवास में घूमने, मतलब मेले में। मेन गेट है वो पीछे ही है, ये देखो झूला चल रहा भाई। देखो भाई बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ, बहुत बड़े, एक मैंने अक्टूबर में नवंबर लगा हुआ बस, अक्टूबर मंथ में ये वाला मेन गेट है, बाकी बहुत बड़ा है यार, अंदर बहुत बड़ा लगा हुआ है। सही है मतलब फेस्टिवल के हिसाब से बच्चों के लिए सही है सब कुछ। सो फाइनली गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में चलेंगे जनकपुरी में, मतलब लाइटिंग वगैरह जब हो जाएगी और खाना वगैरह खा के। सो फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 8, अभी खाना वगैरह खा लिया, अभी चलते हैं जनकपुरी में। बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ वहाँ पर, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं कैसे क्या प्यारा डेकोरेट हुआ। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जनकपुरी ग्राउंड में, बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ, पीछे देखो गेट बना हुआ है इधर देखो, और ये स्टेज बनी हुई बहुत बड़ी। तो हमारे साथ हमारे नितिन भाई, ये बहुत ही मस्त लग रहा है भाई, प्यारी लोकेशन। मैं बहुत वेट करता हूँ, पिछले साल तो अपनी भागवत थी इसलिए नहीं आ पाया था मैं, इस बार फिर यूँ तो मैंने कहा शूट करते हैं, मजा आता है कुछ अलग ही। अभी यहाँ पर टाइम लगेगा इसलिए हम लोग जा रहे हैं, अभी रामलीला फील्ड है जहाँ से राम जी आएंगे यहाँ पर, तब तक चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं कैसा क्या है। अभी चल रहे हैं रोड पर, देखेंगे कैसा क्या सीन जाएगा वहाँ पर, कैसा है मैं भी नहीं गया हूँ अभी, देखूंगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ रामलीला मैदान में, तो वहाँ पे दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर ही रावण दहन भी होता है, मतलब रावण मारा जाता है जो कि हमारे राम जी मारते हैं। तो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी पहुँच गए हम लोग रामलीला मैदान का जो मेन गेट है, देखो ये है मेन गेट, अभी चलते हैं अंदर। रामलीला मैदान अंदर है, मतलब रोड से अंदर है थोड़ा, तो वहीं चलते दिखाते हैं आपको मैदान कैसा है। भाई फील्ड है बहुत बढ़िया, पहले नहीं था इतना बना हुआ, डेवलप हो गया, अब तो बहुत डेवलप हो गया है, तो दिखाऊंगा आपको कैसा है। वो ये है हमारे यहाँ रामलीला फील्ड जो कि यहाँ पर रामलीला होती है, देखो कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, अब बाउंड्री वगैरह हो गई है, पहले नहीं थी इतना डेवलप। देखो रामलीला शायद चल भी रही है, अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो डांस चल रहा है अभी, ये देखो भाई डांस चल रहा है अभी, ये हमारा रामलीला जो स्टेज है यहाँ पर ही रामलीला होती है। देखो इतना बड़ा एरिया बना हुआ है हमारा, ये जो फील्ड है बहुत बड़ा भाई, रामलीला फील्ड है ही हमारा। और जब जो वध होता है वो देखो यहाँ पर बनता है, वो रावण यहाँ पर बनता है, वो पीछे दो है ना वहाँ पर भी कुछ बनता है, वो भी होता है, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको।
हाँ वो लड़ाई वगैरह जो भी है ना वो रामलीला में होती है, भागते हुए है ना, रथ से कूदते हुए जो भी है मुझे पता नहीं इतना, वो ऐसी में होती है भाई, बहुत भीड़ होती है जब जिस दिन वो होता ना बद, उस दिन बहुत भीड़ होती है, हाँ मेला लगा हुआ। तो आप लोग ब्लॉग देखना जब बधोगा रावण का, तब देखना इसी फील्ड में भाई सब कुछ होता, जो भी वो है ना उसमें बद होता है, वो घूमते हैं पकड़ते हैं पढ़ते हैं वो सब कुछ ऐसी में, और मेला भी इसी में लगता है। तो ब्लॉग दिखाऊंगा उसका भी भाई, यहाँ पीछे अपना घर है, इधर से चले हो पास से ही शॉर्टकट से घर है। पहले मैं जब आता था भाई उधर से रास्ता थी टूटी हुई रोड, लेकिन अब नहीं, अब देखो कितना डेवलप हो गया भाई, अब तो मस्त लग रहा है, स्टेज ही बहुत बड़ी बन गई है, छोटे पर आता था मैं तो। चले नितिन, तो हम लोगों ने पता किया राम जी यहाँ से नहीं आते, वो आगे निकल चुके हैं, तो वहीं चलते हैं पुरी में। हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे थे राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, देखो सामने जो राम जी आ रहे हैं हमारे, जो कि जनकपुरी फील्ड है वहाँ पर जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे राम जी सामने आ रहे हैं जो कि जनकपुरी जा रहे हैं। भाई है सारे भाई है, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का भाई। अंदर है प्रोग्राम जनकपुरी फील्ड जो की है, और देखो भाई क्या ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, और देखो सामने हमारे राम जी आ रहे हैं, तो कल राम जी की बारात है, नाचो हाँ डांस, कल तो किया ही राम बारात में भी, आज भी करो, यही है भाई प्योर वाली। नितिन मजा आया, ये राम जी जा रहे, देखो ऐसे वाले गेट से जाएंगे तो फ्रंट वाले से। तो फाइनली आज अभी घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखो कोको टहलाने आए सिवा, पकड़ पकड़ को, वहाँ पे इतना मजा आ रहा था ना, लेकिन फिर भी यार आना पड़ा, तबीयत खराब हो रही है, सर्दी होने लगी हल्की हल्की, मतलब होने ही लगी, तो आज कंबल वगैरह निकाल लेंगे, सच में यार बहुत सर्दी होने लगी। तू कब लौट गया वहाँ से? लौट गई है, बहुत देर से गया था भाई, ये बहुत देर से गया, देखे तुम राम जी देखे पास से? पूरे आधे कौन देखता है, वनवास से लौट के आए, और भाई ये बोला देखो सच बात, वनवास से भी लौट आए, और रामलीला मैदान देखे, रामलीला फील्ड गए थे हम लोग, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा रामलीला, छोटे पर देखा अभी तो नहीं देखा, वनवास से लौट गए, तब तू था जब वनवास से लौट गए, क्यों बता कितने साल का है फिर, जब भगवान जी लौट के आए थे राम जी वनवास से, क्या खिला रहा मूंगफली खिला रहा, बाहर गए ना सर्दी है भाई सच में, और एसी तो मैंने बंद कर दी कम से कम एक हफ्ता हो गया, और तबीयत खराब तो हो ही गई है, बोल नहीं पा रहा, और नींद मुझे बहुत तेज आ रही सच में, कि तीन लगातार तीन रात हो गई तब सो नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। सो फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं, सो फिलहाल इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। Tell me what's wrong and why you never say